एवरी फ्रेंड गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे चैनल पे आए आप लोगों को इतना मूल्यवान टाइम दिया सच में अगर आप लोग ना देखो तो ये भी जो व्यू आ रहे हैं ना ये भी ना आए तो उसके लिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है काम हो चुका है घर का फिन मतलब अब बस खाना पीना बनने की देर है तो यहाँ पे पूजा पाठ भी चल रही है पापा जी पूजा पाठ भी कर रहे हैं और साथ में हम अपने और कामों में भी लगे हुए हैं तो मम्मी ने मुझे से ना कुछ सामान मांगा था जिसमें कि मैंने ये बकेट खोली तो उसमें पता चला कि ना उसमें ऑयल गिरा हुआ है मतलब कोई ऑयल का जो पैकेट था ना वो शायद लीक हो गया क्या हो गया तो सारे पैकेट्स ऑयली ऑयली हो रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ फिर मैंने बकेट वगैरह साफ़ करी और सारे जो चीज़ें थी वो पहुँच पहुँच के रख दी क्योंकि सारी चिकनी हो रही थी तो यहाँ पे देखिए बेटा अपने ये बस्ती में लगा हुआ है इन्होंने गत्ता निकाल दिया है कॉलगेट का तो उसमें से निकाल के वो उसमें खेल रहा है तो चलो मैं ये फटाफट से करने के बाद मम्मी सब्जी बना रही है और क्लीनिंग नहाना धोना सब हो चुका है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं नवरात्रों में सब लोग जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि सब लोग आरती में शामिल होते हैं इस वजह से तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह लगाने लग गई हूँ क्योंकि मम्मी ने सब्जी छोखा तो तो मैं आटा लगा दूँगी ऐसे ही हो जाता है कई बार मैं मम्मी सब्जी छोक लेती हूँ मम्मी इतने खड़े हैं तो आटा लगा देती हैं तो यहाँ पे अब आरती चल रही है तो हम सब अब आरती में शामिल हो गए हैं फिर उसके बाद ही हम चाय नाश्ता करेंगे सब अब हम चाय पियेंगे चाय पीने के बाद मम्मी ने तोरी की सब्जी बनाई दी गई तो चलिए यह सब करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो अभी बस खाना बनाने जा रही हूँ सब्जी वगैरह बन चुकी है तो और कैसे हैं आज है बुधवार और सुबह का जो टाइम है ना वो साढ़े नौ हो रहे हैं और काम ऑलमोस्ट डन है सब कुछ हो गया है नहाना धोना सब कुछ हो चुका है बस अब थोड़ा सा इन सबको खाना खिलाने के बाद ना सेटिंग वगैरह करनी है तबीयत काफ़ी बेटर है कल से काफ़ी बेटर है है बट काफ़ी बेटर है क्योंकि कल मैं बहुत जल्दी सो भी गई थी और सुबह बस थोड़ा झुकने वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि इनको फिर ऑफिस के लिए टाइम लगे आ, लेट हो जाएगा तो पहले मैं खाना बना देती हूँ फिर आप लोगों से बात करेंगे ठीक है मैं ऐसे ही ना फ़ोटोज़ देख रही थी फिर मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैं मसूरी गई थी तो जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी एक नॉर्मल थी मतलब एक नॉर्मल एक हाउसवाइफ और ऐसा ही था तो जब हम गए थे अगर तो बाद में बहुत मिस किया था काश मैं उस टाइम पे होती तो बहुत कुछ शूट करती तो ये जो पिक है ना ये बहुत यादगार पिक है चाहे हमारी शक्लें ढंग से ना दिख रही हो बट जब हम है ना घो मसूरी पहुँचे थे और थोड़ा खाना पीना खा के बाहर निकले और एकदम ही फ्लो स्नोफॉल चालू हो गई थी तो हमारी खुशी आपको हमारे चेहरे पर ही दिखाई दे रही होगी मतलब हम बच्चों की तरह उछलने लग गए थे और ये पिक है जब मसूरी के बाद की है ये ये टपकेश्वर की है तो देखिए आपको दिख रहा है ना मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो इसी वजह से तो वहाँ की है टपकेश्वर मंदिर अगर आपको देखने है तो मैं लिंक दे दूँगी मैं काफ़ी बार मतलब गई हूँ और शूट भी किया है वहाँ पर तो ये टपकेश्वर की कुछ पिक्स ऐसी थी जो बीच में आ, हो गई हैं ये मसूरी की है जिस होटल में हम रुके थे तो हम तीनों सिस्टर्स हैं तो मे भी आपने पहचाना होगा तो मैं बड़ी हूँ जो नीचे है वो छोटी है और वो ऊपर है जो वो सबसे छोटी है तो यहाँ पे ये जीजा साली दोनों खड़े हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा होटल था ना उसका जो व्यू था ना बहुत ही अच्छा था तो बहुत ही प्यारी प्यारी हमने इस वाले पे हमने बहुत प्यारी प्यारी, प्यारी वीडियो ली थी सॉरी और फ़ोटोज़ क्लिक की थी ये मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं उनके हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं तो आप बहुत से लोग पहचान गए होंगे क्योंकि मैंने वीडियोस भी शेयर की हैं जो उनकी शादी मैरिज की और यहाँ पे हम बर्फ़ के साथ खेलते हुए पोजेज देते हुए बच्चे भी परेशान करते हुए तो सारे के सारे हम इकट्ठे गए थे और बहुत मज़ा आया था सच में काश में उस टाइम पे भी एक यूट्यूबर होती और वहाँ की सारी यादें मैं वीडियो में समेट लाती सच में बहुत दुख होता है बाद में बट चलो फोटोज़ तो हैं इसीलिए मैं सिक्योर करने के लिए आपको भी दिखा देती हूँ और ये सिक्योर भी हो जाएंगी तो ये सब हम मस्ती करते हुए क्योंकि यहाँ पर बाहर बर्फ गिर रही थी और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे बहुत ठंड थी उस टाइम पर और ये आपको जो धुंधला धुंधला दिख रहा है ना ये बर्फ़ ही गिर रही है शुरू ही हुई थी उस टाइम पे और हमारा जो होटल था ना वो बहुत ऊँचाइयों पर था तो हम अपने पोजेज करते हुए मस्ती करते हुए काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी हमने मैं सारी तो नहीं दिखा पाऊंगी बट जो कुछ कुछ मैंने सेलेक्ट की थी जो जो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं कोरोना के वजह से तो इन फ़ोटो को देख के यादें ताज़ा हो गई थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं तो लास्ट डे था हमारा जिस दिन हमने तीन दिन का ट्रिप किया था उस दिन हमें होटल वाले ने प्रोवाइड किया था हमारे लिए डीजे अरेंज करवाया था और ख़ूब हम डांस किया था खूब खेले थे और इन दोनों की न्यू न्यू शादी हुई थी तो इनका कैंडल लाइट डिनर भी ऑर्गेनाइज हुआ था उस होटल में तो बहुत मज़ा आया था मतलब बहुत सारी यादें थी और ये लास्ट में जब हम थक गए थे ना बुरे हालात हो गए थे डांस करके तब की फ़ोटो है ये जिसमें आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे बुफे वाला भी था सिस्टम था तो वहीं हम ठंड के वजह से ना वहीं पर खड़े थे तो ये उसी की थोड़ी सी रोशनी अलग आ रही है तो कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना तो चलिए तो अब रात हो चुकी है खाना पीना सबका हो गया है सिंपल सा खाना बना था घर में दाल रोटी बनी थी तो आज मैं शायद आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर ना कर पाऊँ बट मुझे वो आपके साथ पिक शेयर की मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना एक आध दिन तो चलता है ना रेसिपी क्योंकि बहुत कामों में लगी हुई आप लोगों को पता होगा कि मेरे को कहीं के लिए निकलना है कुछ दिन में सो इसी वजह से उन चीज़ों में लगी हुई हूँ कुछ पैकिंग्स में कुछ सामान खरीदने में सो इसी वजह से मैं आ, कुछ शेयर नहीं कर पाई मम्मी ने बना लेती हैं तो फिर वैसे उनको कैमरा सेट करना नहीं आता तो नहीं हो पाता है तो आई होप आप लोगों को समझेंगे भी और मेरे साथ ऐसा ही देते रहेंगे क्योंकि अब आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं कंटिन्यू रहिएगा है प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करते रहिए थोड़ी तबीयत भी आजकल साथ नहीं दे रही है बट प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना और कुछ भी गलती हो तो मुझे ज़रूर बताते रहना अपना ध्यान मेरी तरफ से बिल्कुल भी मत हटाना आगे आगे आपको बहुत अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं मेरे को निकलना है मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग व्लॉग भी मिलेगा थोड़ा सा आ, सेलिब्रेशन वाले व्लॉग्स भी मिलेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे तो आपको हमें मिलते भी रहेंगे आपको अपडेट भी रहेंगे और जो भी न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छी लगे तो शेयर करना कुछ नया चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए मैं यहाँ पे बस मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर चुकी हूँ तो काम मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है तो चलो फिर मिलूँगी आपसे तो यहाँ पे क्या है ना गैस वगैरह साफ़ हो जाए रात के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सुकून सा मिलता है तो बस इसीलिए ना कोशिश करती हूँ कई बार मेरे रह भी जाता है और जो मैंने आज जो आप लोगों के साथ पिक्स शेयर की हैं तो आ, मेरे पे और भी हैं और हम कई और जगह भी गए हैं तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और अगर कैसी लगी मुझे जो कमेंट करके बताना और मैंने आप लोगों के साथ इस तरीके की अपनी मेमोरी शेयर की है वो मैंने सही किया है गलत किया है आ, ये भी आप मुझे बताना क्योंकि अगर आपको आ, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी अपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी तो यहाँ पर बस किचन का काम हो चुका है सब लेटने जा चुके हैं और बस अब मैं भी यही काम रह जाता है और तो सारे होते चले जाते हैं तो इस काम करने के बाद मैं भी सोने जाऊंगी तो आई होप वीडियो पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे साथ ऐसे बने रहना आगे के व्लॉग देखने के लिए आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए फिर मिलेंगे आपसे बाय बाय